यहां उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, सभी को जोहार, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हमारे साथ मंच में बैठे हमारे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, उद्योग सचिव, हमारे रेसिडेंशियल कमिश्नर साहब, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों और विशेषकर आज के इस औद्योगिक क्षेत्र में विचार करने हेतु यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और बहुत शॉर्ट नोटिस पर पहुंचने के लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे राज्य में बजट का सत्र चल रहा है, इसी बीच उद्योग विभाग की तरफ से स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम देश की राजधानी में आयोजित हुई है और इस व्यस्तम कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का आयोजित होना निश्चित रूप से कई मायने के साथ हम यहां आपके बीच में आए हैं। कुछ दिनों में हमारा बजट सत्र समाप्त होगा, नए साल की शुरुआत करेंगे। बीते साल 19-20 में चूंकि पूरा देश पैंडेमिक के सिचुएशन से परेशान था और उन परेशानियों को आप सभी लोगों ने महसूस भी किया है, पूरे देश ने महसूस किया है, और अब जब धीरे धीरे जीवन सामान्य की ओर जा रही है तो इस समय के साथ हमारी सरकार ने राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु कई विचार मंथन किए हैं जो आपके समक्ष हमारे उद्योग सचिव जी ने कुछ बातों को रखा, मुख्य सचिव जी ने बहुत विस्तृत रूप में बातों को रखा हमारे राज्य के विषय में। और चूंकि आज की इस स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में मैं कोई विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं हूं, मैंने खुद को आमंत्रित किया है यहां पर, और वो इसलिए क्योंकि ये शुरुआत ये थी विभाग का, शायद कहना या सोचना ये है कि जब बहुत मेगा कार्यक्रम का आयोजन होगा, अभी ये लोग प्रिलिमिनरी स्टेज में ये सब स्टार्ट कर रहे हैं, जब चीजें मैच्योर स्थिति में होगी तब
आप जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कोई भी काम करता हूं तो उन काम को खुद से देखने का समझने का कोशिश भी करता हूं, और इसलिए इस व्यस्तम कार्यक्रम में भी मैं आपके बीच हूं, आपकी बातें सुनने के लिए, आपके सुझाव सुनने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य में आने वाले समय कुछ ऐसे लकीरें खींची जाए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित की जाए जिससे आपके साथ साथ झारखंड को मिले, झारखंड के लोगों को मिले, झारखंड के आंतरिक संसाधनों के विषय में हमारे मुख्य सचिव जी ने बहुत विस्तृत रूप में बातें कही हैं। क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या लॉजिस्टिक्स हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, सभी चीजें आपके समक्ष रखा है। हमारी नई पॉलिसीज आनी हैं, जो कुछ आपके सामने रखा गया है, इसको फाइनल शेप देने के लिए आप लोगों से एक सलाह आवश्यक हमें प्रतीत हुई है। इसको लेकर आज यहां हम लोग हैं। किसी भी राज्य और देश को विकास करने के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, लगभग वो सभी आवश्यक चीजें हमारे राज्य में पहले से ही मौजूद है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि हमारे राज्य में किसी चीज की कमी है, किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए। हमारे पास कमी है तो मात्र एक ही कमी है, वो है जो हमारे पास चीजें हैं उसको तराशने का व्यवस्था, उसका वैल्यू एडिशन कैसे हो। हमारे पास हीरा है लेकिन हीरा कटिंग करने का, उसको तराशने का हमारे पास व्यवस्था नहीं। हमारे राज्य में जो चीजें, जो संसाधन है हमारे पास, हम उसका वैल्यू एडिशन कर पाए तो हमारे राज्य की जो आंतरिक स्रोत का जो भंडार है, उससे राज्य को देश के अग्रणी राज्य में खड़ा किया जा सकता है। और इसमें आप सब लोगों की एक अहम और बड़ी भूमिका मुझे लगता है। हमारे क्षेत्र में झारखंड प्रदेश में खनिज संपदाओं के बारे में तो इसकी अलग पहचान है ही, और कमोबेश आजादी भारत के बाद उससे पहले से हमारे इस प्रदेश में खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द ही बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी योजनाएं बने, बड़े बड़े उद्योग लगे,
कभी इस देश को टाटा बिरला के नाम से जाना जाता रहा है, वो टाटा बिरला हमारे ही राज में से इनका जन्म हुआ और आज दुनिया के गिने चुने उद्योग घरानों में से हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्टील उद्योग हमारे ही राज में लगा। मुझे लगता है कई ऐसे प्रतिष्ठाने हैं जो हमारे ही राज से लोगों ने शुरुआत किया, चाहे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हो, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे बोकारो स्टील प्लांट हो, यहां तक कि किसानों के लिए खाद बनाने की जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है वो भी हमारे स्टेट में पहली बार झारखंड में बना था। और मुझे लगता है किसी चीज का एक टाइम बॉन्ड होता है, एक समय होता है, उस समय के बाद उसको उसकी ग्राफ नीचे होना तय है। इसके लिए हमें निरंतर इस बार नजर रखनी होती है कि किन किन सेक्टरों में किन किन तरीके से उतार चढ़ाव हो रहे हैं, इनकी वजह क्या है, सरकार की पॉलिसीज है या कोई और कारण है। हमारे फर्टिलाइजर फैक्ट्री में हजारों एकड़ जमीनें थी, अभी भारत सरकार ने मिशन मोड पर एक कार्यक्रम को लिया है, अभी वो फिर से उसको रिवाइव किया जा रहा है। हम लोग भी लगे हैं कि तेजी से वो अपने वास्तविक स्थिति में आए, प्रोडक्शन की स्थिति में आए और उसकी मॉनिटरिंग भी लगातार हो रही है। इसी तरीके से हम लोग भी माइंस मिनरल्स तो हमारा कोर सेक्टर है ही, इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा उससे अलग हट करके और उद्योगों की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे कि मैडम ने कहा है कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जा रहे हैं, मोटर व्हीकल्स में भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा रहे हैं। ये सारी चीजें, कई छोटे छोटे और कंपोनेंट्स हैं, इस ओर हम जा रहे हैं, जो पहले मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा माइंस मिनरल्स के अलावा हट के कभी सोचा गया है। अभी थोड़ा इस विषय पर काफी थ्रस्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। हम प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संपदाओं से ही सिर्फ भरे पड़े नहीं है, बल्कि हमारे पास नेचुरल ब्यूटीज भी हैं, हमारे पास खूबसूरत टूरिज्म के अनेकों क्षेत्र हैं। हम लोग उस दिशा में भी बहुत तेजी से अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहां पर स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में जो चीजें रखी गई है, माइंस मिनरल्स के अलावा एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब चीजों पर एक और चीज इसमें मुझे लगता है छूटा है, क्योंकि मैं चीजों को लगातार देखता हूं और हर बार कुछ ना कुछ नया, क्योंकि हमारा झारखंड प्रदेश कहा जा सकता है एक वर्जिन एरिया रहा है हर चीजों में, इसका कभी भी कोई उस पर काम नहीं किया गया, और वो है हमारे राज्य में
और हमारे राज्य के नौजवानों के अंदर छुपी एक कहा जा सकता है कौशल खेलों के क्षेत्र में। हमारे यहां बहुत बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों का भंडार भी है, हम स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहां फुटबॉल बहुत प्रचलित है, हमारे देश के हॉकी खिलाड़ियों में 7 बच्चों से अधिक प्लेयर्स हमारे राज्य से आते हैं। आप हॉकी के इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई ऐसी खेल का क्षेत्र है जहां स्पोर्ट्स पर भी हम वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां उसको बढ़ा भी सकते हैं। हमारा प्रदेश एक ऐसे जगह अवस्थित है जहां से हम 2-2, 3-3 जलमार्ग के रास्ते से भी व्यापार कर सकते हैं, जिस जो हमारे पोर्ट नियरेस्ट हैं, बंगाल में हल्दिया है जो लगभग 250 किलोमीटर दूर हमारे हेडक्वार्टर से है, रांची से राजधानी से है। पारादीप है लगभग 400 किलोमीटर, साहेबगंज है जो अभी नया नया बना है वो 350 किलोमीटर है। अभी एयर कार्गो के लिए भी एक हम जगह चिन्हित कर चुके हैं, उसकी भी क्या संभावनाएं हैं ये तलाशी जा रही हैं और उसको डेवलप करने की दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास कमी मुझे लगता है किसी चीज की नहीं है, बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि आज आपके समक्ष खड़ा हूं और जो मैंने बंडी पहनी है ये हमारे झारखंड प्रदेश के महिलाओं के द्वारा बनाई गई ये बंडी। थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो, डिजाइनर ने नहीं बनाया है वैसा, यहां पर जो बड़े बड़े डिजाइनर्स होते हैं हमारे लोकल डिजाइनरों ने इसको बनाया है, इसको थोड़ा सा रिफर्निशिंग किया जाए। तो और बेहतर हो सकता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप सुझाव दें, अपने आइडियाज शेयर करें और जहां आपको कोई दिक्कत लगेगी मैं आपको आश्वस्त करता हूं सरकार पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी है, हम खड़े होकर आपके उद्योग लगाएंगे ताकि आप सब लोग निर्भीक होकर के अपने काम कर सके, किसी का भी कोई संकोच ना हो। हमारे पास पानी है, हमारे पास बिजली है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास मैन पावर है। लाखों लोग इस पैंडेमिक के सिचुएशन में ही पूरे देश के लोगों को लगा कि किन किन राज्यों से कहां कहां लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। शायद किसी राज्य को पता होगा कि किसी के राज्य से कितने लोग कहां कहां जाते हैं, हमें भी पहली बार पता चला। लगभग 8-10 लाख लोग तो रजिस्टर्ड, मतलब हमारे रजिस्टर में रजिस्टर्ड हुए हैं, अनऑफिशियली कितने गए हैं कितने आए हैं। तो झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सब जगह पर मैन पावरों की भी एक बड़ी भंडार है। हम बगल में बांग्लादेश को भी जोड़ते हैं, बहुत करीब से हैं,
इधर भूटान, इधर नॉर्थ ईस्ट की ओर हम लोग बहुत करीब हैं। तो हम लोग बहुत चीजों में बहुत आसानी से, बहुत सहूलियत तरीके से हम लोग व्यापार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें जो तकनीकी विषय हैं, जो आपको जानने की इच्छा आप रखते हैं, सवाल आप पूछना चाहते हैं, निश्चित रूप से हमारे साथ पदाधिकारी लोग, अभी तो बहुत कम लोग आए हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों की सहमति बनेगी, आप लोगों की उत्सुकता के साथ, आप लोगों की जब चीज़ें आप लोगों भी संतुष्ट होंगे, तब हर एक क्षेत्र के पदाधिकारी, हर एक विभाग के पदाधिकारियों के साथ भी हम लोग एक बड़ा समारोह के साथ राज्य को एक विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए आप लोगों की भूमिका सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं बातों को के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार।